नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल शर्मा। बस टू टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गूगल मैप तो आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा और आपने कहीं जाने से पहले सर्च भी किया होगा गूगल मैप पर, जहां पर आप जाने वाले हैं या फिर किसी भी जगह के बारे में। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो बिल्कुल आपके गूगल मैप बहुत काम आया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो कि आपको जहाँ जाना है या फिर कोई जगह देखनी है वो आप अपने मैप पर पूरा फुल व्यू के साथ देख पाएँ, वहाँ के नज़ारे, वहाँ की लोकेशन, वहाँ के आसपास की सड़कें और वहाँ पर क्या चीज़ है वो आप देख पाएँ, तो ऐसा कैसा हो? वहाँ का मतलब पूरा लाइव आप पूरा वहाँ का व्यू देख पाएँ तो कैसा हो? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो ऐप बताने वाला हूँ वो ऐप इसी बारे में है और उस ऐप का नाम आपको बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरा गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे गूगल स्ट्रीट व्यू। ये देखिए आ गया है। गूगल स्ट्रीट व्यू पे आप जाएंगे। गूगल स्ट्रीट व्यू आप क्या कुछ ऐसा ओपन होगा स्क्रीन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग 500 मिलियन लोगों ने इस ऐप को यूज़ किया है और ये कुछ ऐप के फीचर्स हैं। 4.2 रेटिंग्स के साथ ये ऐप है। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। लगभग 15-16 MB के आसपास की ये ऐप है। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का आइकन यहाँ पर आएगा, स्ट्रीट व्यू नाम से लिखा हुआ। तो आप इस ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास ऊपर फीचर्ड, एक्सप्लोर, प्रोफाइल एंड प्राइवेट, कुछ इस तरीके आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोर जो कि आप जो भी आप डिज़ायर्ड लोकेशन आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से दार्जिलिंग सर्च करता हूँ, दार्जिलिंग की लोकेशंस मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, दार्जिलिंग मैंने सर्च किया तो देखिए कितनी जल्दी इस ऐप ने अपना वर्क किया है और तुरंत यहाँ पर मेरे को दार्जिलिंग के जो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ रेड पॉइंट्स लोकेशंस यहाँ पर आ रही हैं। जैसे दार्जिलिंग के रेड डॉट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जितने भी रेड डॉट्स हैं यहाँ पर आपको यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं। जैसे दार्जिलिंग पर मैंने क्लिक किया तो ये और जूम हो गया। जूम होने पर यहाँ पर ये जैसे आप ये इस व्यू से तो आप भली भांति परिचित होंगे, ये पूरा गूगल मैप व्यू है। इस दार्जिलिंग पर क्लिक करने पर आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर इसको जस्ट स्लाइड ऊपर करेंगे, ये आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे दार्जिलिंग में जो जो फेमस जगह हैं ये वहाँ के व्यूज़ हैं, लाइव व्यूज़ और जो आप लोकेशन देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर टैप किया तो ये देखिए दार्जिलिंग का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। दार्जिलिंग स्टेशन के आसपास की जगह हैं, ये देखिए ये है दार्जिलिंग स्टेशन जो आप देख रहे हैं सामने, और ये वहाँ की हिमालय रेल है। ठीक है, तो इस तरह का व्यू है। ये नैरो गेज ट्रेन वहाँ पर चलती हैं तो ये वहाँ का व्यू है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ का नज़ारा, बिल्कुल आप यहाँ का खुला आसमान भी देख सकते हैं पूरा। ये देखिए यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़। इस तरीके से ये तो रहा दार्जिलिंग के बारे में। अब सपोज़ कि आपको यहाँ के कुछ फीचर जो कि बहुत ही फेमस जगह हैं वो भी यहाँ पर हैं। सपोज़ आपको देखनी है कोई फीचर्ड जगह, ठीक है, तो यहाँ पर जूम आउट आप करें। जूम आउट करने से क्या होता है कि ये पूरा नक्शा जूम आउट हो जाता है और वहाँ पर जो लोकेशंस हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। देखिए, अब जूम आउट करने पर उस एरिया में आपके जो स्क्रीन पर जो एरिया नज़र आ रहा है उसमें जो भी लोकेशन होगी वो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे बांग्लादेश हाइलाइट्स, ठीक है, और आप जूम आउट करें, आप अपनी दोनों फिंगर्स का यूज़ करके अपने स्क्रीन पर जूम आउट कर सकते हैं और जूम आउट करें। ठीक है, तो ये था जूम आउट व्यू। अब आपको फीचर्ड में जैसे कि अगर आपको कुछ लाइव लोकेशन देखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरे पास जगह है देखने के लिए ताजमहल, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी यहाँ पर मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं ताजमहल को देखना चाहता हूँ,
ताजमहल जैसे कि कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, साउथ इंडियंस या फिर जम्मू कश्मीर या फिर कुछ ईस्ट के, ये सभी हम दार्जिलिंग घूम के आए। ऐसे ही दार्जिलिंग के कुछ लोग हैं जो उन्होंने ताजमहल नहीं देखा है, तो वो अपने घर बैठे मोबाइल पर ताजमहल का फुल स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, टैप किया, तो ये देखिए ये ताजमहल पर आ गए हैं हम और ताजमहल को देख रहे हैं। चारों तरफ से आप देखिए, लोग खड़े हुए हैं, ताजमहल का व्यू हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये आ गया हमारा ताजमहल। अब दोस्तों, इस ऐप की खास बात क्या है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर तीन एरो नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको ताजमहल के नज़दीक जाना है तो आप यहाँ से नज़दीक जा सकते हैं आगे वाले एरो को क्लिक करके। ये देखिए इस तरीके से, और नज़दीक जाना है और टैप कीजिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे ताजमहल के नज़दीक जा सकते हैं। दिखाई दे रहा है दोस्तों? बिल्कुल, ये आपके नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो व्यू है लोड होने में आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, ताजमहल के आप नज़दीक आ गए होंगे, यहाँ से आप इस तरफ भी, जिस भी एरो की तरफ आप क्लिक करेंगे आप उसी तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर नज़र आ रहा है यहाँ से ताजमहल का। ये एक तरह का हम इसको लाइव व्यू या फिर 360 डिग्री व्यू भी बोल सकते हैं। आप इसको 360 डिग्री में देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं आसमान की तरफ और नीचे भी देख सकते हैं। तो ये है 360 व्यू। ये आपको काफ़ी सारे प्लेसेस के देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर सपोज आप इंडिया के बाहर भी कोई जगह देखना चाहते हैं, सपोज हम इसको जूम आउट कर देते हैं पूरा, ठीक है। इंडिया के बाहर भी अगर हमें कुछ देखना है फीचर्ड, तो हम यहां से देख सकते हैं। जैसे फ्रांस देखते हैं, फ्रांस में देखिए, यहाँ पर अब हम फ्रांस में आ गए। फ्रांस में सपोज हम पेरिस चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास कुछ व्यू है यहाँ से, ठीक है, जहाँ से हम घूम सकते हैं फ्रांस को, ठीक है। जैसे कि फ्रांस की गलियों में आइए, देखते हैं, चलते हैं। ये हैं फ्रांस की गलियाँ, ये देखिए, यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा आपको नज़र आ रहा है फ्रांस का। आ रहा है दोस्तों? तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही, जो ट्रैवल करते हैं खास तौर से, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो कहीं नहीं जा पाते हैं ऑफिस के वर्क से या फिर छुट्टियों की वजह से, वो अपने घर बैठे अपने फ़ोन पर सभी जगह देख सकते हैं, किस तरह की जगह हैं, सभी तरह के लाइव व्यू वहाँ से देख सकते हैं। और ये उनके लिए ऐप एक तरीके से एक ट्रैवलिंग ऐप की तरह काम करेगी। मतलब आप अपने यहीं से घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे, ट्रेन में बैठकर कहीं से भी आप कोई भी व्यू देख सकते हैं, वो भी 360 डिग्री में, या फिर आप उसको अपनी भाषा में कहें तो लाइव वीडियो भी बोल सकते हैं, लाइव व्यू भी बोल सकते हैं, वहाँ का किस तरह का व्यू है। वैसे इसको लाइव व्यू बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की इमेजेस हैं, बट जब हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में हमको सभी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसको लाइव कहना भी बुरा नहीं है। तो बिल्कुल, ये ऐप दोस्तों आप जरूर यूज़ करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।